इज़राइल कैसे बना इज़राइल, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। इज़राइल जो है, इज़राइल ये एक जो राष्ट्र है, ये अरब में स्थित एक देश है। ये दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन है तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। मिस्र यानी इजिप्ट भी बोलते हैं मिस्र को। मध्य पूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का जो मूल निवास है, ये यहीं पर रहे हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को ईसाइत या इस्लाम और यहूदी धर्मों की प्रमुखता से लिया जाता है। यहूदी मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में फैल गए थे। 19वीं सदी के अंत में तथा फिर 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप में यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यूरोपीय यहूदी अपने क्षेत्रों से भागकर यरूशलेम और इसके आसपास के क्षेत्रों में आने लगे। यरूशलेम जो है, ये इज़राइल की वर्तमान में राजधानी है। यरूशलेम इज़राइल का मुख्य शहर है। सन 1948 में आधुनिक इज़राइल राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तेल अवीव उस समय इज़राइल की राजधानी थी, पर अन्य महत्वपूर्ण शहरों में हैफा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता भी है। यहाँ की प्रमुख जो भाषा है, ये हिब्रू और अरबीक है। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे उर्दू भाषा लिखी जाती है, वैसे ही ये लैंग्वेज भी लिखी जाती है, जिसको हिब्रू या हिब्रू और अरबीक, ये दो लैंग्वेज हैं, ये यहाँ की मूल भाषाएं हैं। यहाँ के निवासियों को इजरायली कहा जाता है। यहाँ की कैपिटल जो है, इजराइल की कैपिटल यरूशलम है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू है। ये एशिया कंटेंट में आते हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी मैं आपको जानकारी बताना चाहता हूँ। इजराइल जो है, इजराइल ये जो शब्द बना है या राष्ट्र जो बना है, ये इब्रानी और अरबी से बना हुआ है। ठीक है, ये अरब में एक स्थित देश है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। ये यूरोप के कई क्षेत्रों में यहूदी जो है, मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में फैल गए थे। इज़राइल जो शब्द है, इसका प्रयोग बाइबल और उससे पहले से होता आ रहा है। बाइबल के अनुसार ईश्वर के फरिश्ते के साथ युद्ध लड़ने के बाद जैकब का नाम इज़राइल रखा गया था। इस शब्द का प्रयोग उसी समय या उससे पहले भी कह सकते हैं, ये यहूदियों की भूमि के लिए किया जाता रहा है। इज़राइल जो है, यह दक्षिण पश्चिम एशिया का एक स्वतंत्र यहूदी राज्य है। यहाँ पर यहूदियों की संख्या ज़्यादा है, जो 14 मई 1948 को पैलेस्टाइन यानी फिलीपींस से ब्रिटिश सत्ता के समाप्त होने पर बना था। यह राज्य रूम सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके उत्तर और उत्तर पूर्व में लेबनान और सीरिया है। पूर्व में जॉर्डन, दक्षिण में अकाबा की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र यानी इजिप्ट है। इसका क्षेत्रफल लगभग 20,700 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी पहले तेल अवीव थी, लेकिन अब यरूशलम हो गई है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, इसकी राजभाषा जो है हैफा, वैसे तो लैंग्वेज इसकी हैफा है, लेकिन राजभाषा जो है इब्रानी है। इज़राइल के तीन प्राकृतिक भाग हैं, जो एक दूसरे के समानांतर दक्षिण से उत्तर तक फैले हुए हैं। पहला
रोम तटीय शहरों तथा फिलिस्तीनिया का मैदान जो अत्यधिक उर्वर है, तथा मक्का जो सब्जियों, संतरों, अंगूरों एवं केलों की उपज के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, गैलीली, समारिया तथा जूडिया का पहाड़ी प्रदेश जो तटीय मैदान के पूर्व से 25 से लेकर 24 मील तक चौड़ा है। इजराइल का सर्वोच्च पर्वत अर्जमान, जिसकी ऊंचाई 3,962 फुट है, यहीं पर स्थित है। जजरील घाटी गैलीली के पठार को समारिया तथा जूडिया से अलग करती है और तटीय मैदान को जार्डन की घाटी से मिलाती है। गैलीली का पठार जो है और जजरील घाटी एक समृद्ध कृषि क्षेत्र है, जहाँ पर गेहूँ, जौ, जैतून तथा तंबाकू की खेती होती है। समारिया का क्षेत्र जैतून, अंगूर और अंजीर के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, जो कि अभी मैंने बताया है, जार्डन रिफ्ट। जार्डन रिफ्ट जो है, जो केवल 10 से 15 मील चौड़ी तथा अत्यधिक शुष्क है, इसके जगत के स्थलखंड का सबसे नीचा भाग है। जार्डन नदी के मैदान में केले की खेती होती है। अभी मैंने आपको बताया है तेल अवीव। तेल अवीव ये इसराइल का प्रमुख उद्योग केंद्र है, जहाँ पर कपड़ा, कास्ट, औसत, पेय तथा प्लास्टिक आदि उद्योगों का विकास हुआ है। हैफा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सीमेंट, मिट्टी का तेल, मशीन, रसायन, कांच एवं विद्युत वस्तुओं के कारखाने यहाँ पर स्थित हैं। जेरूसलम हस्तशिल्प एवं मुद्रण उद्योग के लिए विख्यात है। नथन्या जिले में हीरा तराशने का भी काम होता है। हैफा तथा तेल अवीव रूम सागर तट के पत्तन यानी बंदरगाह हैं। ये दोनों इलाथकागा की खाड़ी का पत्तन यानी इलाथ जो है ये अकाबा की खाड़ी का बंदरगाह है। मुख्य निर्यात यहाँ पर सूखे एवं ताजे फल, हीरा, मोटरगाड़ी, कपड़ा, टायर एवं ट्यूब है। मुख्य आयात मशीन, अन्य गाड़ियाँ, काठ एवं रासायनिक पदार्थ हैं। स्वतंत्रता और शुरुआती समय के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने स्वयं को एक विकट परिस्थिति में पाया, जहां उनका विवाद यहूदी समुदाय के साथ दो तरह की मानसिकता में बढ़ चुका था, जहां एक तरफ हगना, इरगुन और लोही नाम के संगठन ब्रिटिश के विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह कर रहे थे, वही हजारों यहूदी शरणार्थी इसराइल में शरण मांग रहे थे। तभी सन 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य ने ऐसा उपाय निकालने की घोषणा की, जिससे अरब और यहूदी दोनों संप्रदाय के लोग सहमत हों। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन के विभाजन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 29 नवंबर 1947 को मान्यता दे दी, जिसके अंतर्गत राज्य का विभाजन दो राज्यों में होना था, एक अरब तो दूसरा यहूदी, जबकि जेरूसलम को संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्य करने की बात कही गई। इस व्यवस्था को जेरूसलम को कॉर्पस स्पेक्ट्रम यानी सरपुर कहा गया। इस व्यवस्था को यहूदियों द्वारा तुरंत मान्यता दे दी गई। वहीं अरब समुदाय के 1 नवंबर 1947 को 3 दिनों के बंद की घोषणा की गई। इसी के साथ यहाँ पर एक गृह युद्ध की भी स्थिति बन गई, जहाँ पर लगभग 2,50,000 फिलिस्तीनी लोगों ने राज्य छोड़ दिया। आपको बता दें कि 14 मई 1948 को यहूदी समुदाय ने ब्रिटिश से पहले स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इसराइल को राष्ट्र घोषित कर दिया। तभी सीरिया, लेबिया तथा इराक ने इसराइल पर हमला कर दिया और तभी से 1948 के अरब इसराइल युद्ध की शुरुआत हो गई। सऊदी अरब ने भी तब अपनी सेना भेजकर मिस्र यानी इजिप्ट की सहायता से आक्रमण किया और यमन भी युद्ध में शामिल हो गया। लगभग एक वर्ष के बाद युद्ध
विराम की घोषणा हुई और जॉर्डन तथा इसराइल के बीच सीमा रेखा अवतरित हुई, जैसे ग्रीन लाइन कहा गया, और मिस्र ने गाजा पट्टी पर अधिकार किया, यानी गाजा पट्टी का जो क्षेत्र है ये इजिप्ट के अंडर आ गया। यहाँ पर करीब 7 लाख फिलिस्तीनी इस युद्ध के दौरान विस्थापित हुए। इसराइल ने 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता हासिल कर ली। विवाद और शांति समझौते की अगर बात करूं, तो अरब समुदाय तथा मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नसीर ने इसराइल को मान्यता नहीं दी उस टाइम, और 1966 में इसराइल अरब युद्ध हुआ। 1967 में मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी दल को सनाई पंसुलेना जो 1957 को बाहर निकाल दिए गए, और लाल सागर से इसराइल का आवागमन भी बंद कर दिया गया। 5 जून 1967 को इसराइल ने मिस्र, जॉर्डन, सीरिया तथा इराक के विरुद्ध युद्ध घोषित किया और महज 6 दिनों में अपने अरब दुश्मनों को पराजित कर क्षेत्र में अपनी सैनिक प्रभुसत्ता कायम भी कर दी। इस युद्ध के दौरान इसराइल को अपने ही राज्य में उपस्थित फिलिस्तीनी लोगों का विरोध झेलना पड़ा, जिसमें प्रमुख फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO जो 1964 में बनाया गया था, 1960 के अंत से 1970 तक इसराइल पर कई हमले और भी हुए, जिसमें 1972 में इसराइल के प्रतिभागियों पर म्यूनिच ओलंपिक में हुआ हमला भी शामिल था। 6 अक्टूबर 1973 को सीरिया तथा मिस्र द्वारा इसराइल पर अचानक हमला किया गया, जब इजरायली योम नमक त्यौहार मना रहे थे, जिसके जवाब में सीरिया तथा मिस्र को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। संविधान एवं शासन की अगर मैं बात करूं, तो इजरायल एक संप्रभु सत्ता संपन्न गणराज्य है, जिसकी स्थापना 14 मई 1948 को घोषणा के आधार पर हुई। 1949 में इजरायली संसद सीनेट ने संक्रमण कानून पारित किया, जो सामान्य शब्दावली के माध्यम से संसद, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के अधिकारों की व्याख्या करता है। 1950 में संसद ने समय समय पर मूल निवासियों को अनियमित मूल का प्रस्ताव पारित किया। संसद इजरायली राष्ट्र तथा राष्ट्रपति से संबंध इन मूल नियमों को क्रमशः 1958, 1960 तथा 1964 में पारित किया गया। इजरायली संसद को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं और 120 सदस्यों वाली इस एक सदनी संसद का चुनाव सार्वदेशिक मताधिकार के आधार पर अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति से प्रति 4 वर्ष के लिए कराया जाता है। राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्राध्यक्ष होता है और संसद 5 वर्ष के लिए इसका चुनाव करती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री सामान्यतः संसद सदस्यों से ही बनाए जाते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति सदस्यतर व्यक्तियों में भी की जा सकती है। पूरा देश 6 मंडलों में विभक्त है। इजराइल की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इजराइल को आर्थिक और औद्योगिक विकास में दक्षिण पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में सबसे उन्नत देश माना जाता है। इजराइल की अत्याधुनिक विश्वविद्यालय और गुणवत्ता शिक्षा देश की उच्च प्रौद्योगिकी उछाल और तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद